बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को ऑटोमिसिटी ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। इसमें हम साथ ऑटो रिदमिसिटी को भी और रिदमिसिटी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। अभी जो हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये हमें वो सिग्नल्स क्रिएट करता है डैट टेल योर हार्ट वैन टू बीट। यानी कि बेसिकली हार्ट बीट की हम बात करते हैं तो हार्ट बीट इज़ व्हाट पंप्स ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। हमारी बॉडी में जो ब्लड जब पंप हो रहा होता है तो बेसिकली जो है वो किस फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होता है, किस फॉर्म में हमें फ़ील हो रहा होता है, तो वो हार्ट बीट की फॉर्म में हमें फ़ील हो रहा होता है। अभी जो हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसको कार्डियक कंडक्शन सिस्टम भी बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हार्ट पेस मेकर है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ सेल्स डैट साइमल्टेनियसली इनिशिएट रिदम ऑफ डीपोलराइजेशन इन द हार्ट। बेसिकली अगर हम हार्ट पेसमेकर की बात करते हैं तो हार्ट पेसमेकर जो है वो सेट ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जो क्या करता है, जो इनिशिएट करता है रिदम, यानी कि हमारे हार्ट की जो बीटिंग है उसको ये इनिशिएट करता है। अब बात करते हैं, दो टाइप की सेल्स होते हैं हार्ट पेसमेकर में। एक को कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट, या फिर हम इसको मायोजेनिक भी बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट की। अभी जब मायोजेनिक हार्ट है, हम कहते हैं कि कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट इन मसल सेल्स आर मॉडिफाइड मसल सेल्स, देन द हार्ट ऑफ सच एनिमल्स आर कॉल्ड मायोजेनिक। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कौन ओरिजिनेट कर रही है, अगर तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को मसल सेल्स ओरिजिनेट करेंगे देन वो क्या होगा, वो मायोजेनिक है। लेकिन न्यूरोजेनिक की अगर बात करेंगे तो न्यूरोजेनिक में क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे नर्व सेल ओरिजिनेट करेंगे, उसे नर्व सेल जनरेट करेंगे, तो उस टाइम जो हार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे न्यूरोजेनिक कहेंगे। ठीक है, जब उसकी बिगनिंग मसल कर रहा है देन वो मायोजेनिक है, लेकिन जब उसकी बिगनिंग जो है वो न्यूरॉन कर रहा है, नर्व सेल ओरिजिनेट कर रहे हैं उसके रिदम को, उसके इम्पल्स को बेसिकली हम कहते हैं कि ओरिजिनेट कर रहे हैं, देन वो क्या कहलाता है, वो न्यूरोजेनिक हार्ट कहलाता है। तो अब हमने बेसिकली जो है वो डिस्कस करना है मायोजेनिक हार्ट को। ठीक है, तो मायोजेनिक हार्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम ऑटो रिदमिसिटी को डिस्कस करेंगे। ऑटो रिदमिसिटी ऑफ हार्ट, ये जो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ये बेसिकली ऑटो रिदमिसिटी में ही आता है, ऑटो रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। अब हम कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का, उसमें तीन इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स होते हैं। बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, एक तो है एस ए नोड, सेकेंड नंबर पर हम बात कर रहे हैं ए वी नोड। अब यहाँ पर एस ए नोड जो है इसको साइनो एट्रियल नोड भी कहा जाता है, इसे हार्ट नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये पेस को जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है हार्ट नेचुरल पेस मेकर। अभी जो एस ए नोड है इसमें स्पेशल सेल पाए जाते हैं, और उन स्पेशल सेल्स की वजह से क्या होता है कि मेरे हार्ट जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारा जो हार्ट बीट है वो बनती है। तो बेसिकली जो हमारी हार्ट बीट है ये किसकी वजह से बनती है, ये एस ए नोड साइनो एट्रियल नोड की वजह से, जिसे हम हार्ट नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं, जो स्पेशल सेल पर मुश्तमिल होता है, और वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करता है जिसकी वजह से हार्ट बीट बनती है। अब ए वी नोड की अगर बात करते हैं तो ए वी नोड जो है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसको बोलते हैं। अब ए वी नोड बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो है ये पाया जाता है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो ब्रिज है उसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उसे हम ए वी नोड बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास फ्रॉम दी एट्रिया डाउन टू दी वेंट्रिकल्स थ्रू दी ए वी नोड। अब क्या होता है कि ये जो एट्रियल, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये एट्रिया से ये नीचे जब वेंट्रिकल्स में पास होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं, ए वी नोड, ये इसका काम है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एट्रिया से डाउनवर्ड वेंट्रिकल में जो है वो भेजेगा थ्रू द ए वी नोड। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे है हिस परकंजी सिस्टम। अभी जो हिस परकंजी सिस्टम है डैट कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि ये जो हिस प्रकंजी सिस्टम है इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स टू मेक दैम कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली क्या होता है कि जो वेंट्रिकल है उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हिस परकंजी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, सबसे पहले तो हिस बंडल शामिल हैं जो क्या करते हैं, सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, और इसमें दो और बंडल्स हैं जिसको राइट बंडल कहा जाता है और लेफ्ट बंडल कहा जाता है। उसके अलावा इसमें परकंजी
फाइबर्स होते हैं, पर पर्पकंजी फाइबर जो हैं बेसिकली ये एंड ऑफ द सिस्टम है, यानी कि इसमें ये जो हमारे पास हिस पर्पकंजी सिस्टम है ये वेंट्रिकल्स में है। वेंट्रिकल्स में जो है ये क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से। अब जो हिस पर्पकंजी सिस्टम है इसमें बेसिकली जो है वो फोर पार्ट्स की हमने बात की है, जिसमें हिस बंडल आता है जो स्टार्ट करता है ये सारे सिस्टम को, इसमें राइट बंडल आता है, लेफ्ट बंडल आता है और पर्पकंजी फाइबर्स आते हैं जिसे एंड ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। तो अब अगर देखें तो ये हमारे पास जो आपको ग्रीन से नज़र आ रहा है ये क्या है, ये ऐसे नोड है यहाँ पे, और ये जो रेड नज़र आ रहा है बेसिकली ये क्या है, ये एवी नोड है। यानी कि ये जो रेड है ये आप देखें कि ये हमारे पास एक ये है चैम्बर, एक ये चैम्बर है, एक ये है और एक ये है। तो अब ये क्या हमने बात की कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में एक ब्रिज होता है बेसिकली, और वो जो ब्रिज होता है वो क्या कहलाता है, वो एवी नोड कहलाता है। और ये जो आपको यहाँ पे ये शाखें सी नज़र आ रही हैं ये क्या है, ये हिस पर्पकंजी सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक इस तरह से जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये क्या कहलाती हैं, इनको पर्पकंजी फाइबर्स कहते हैं, और ये सारा जो है ये हिस पर्पकंजी सिस्टम कहला रहा है। अब हम इसको इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं, एक समरी की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑटोरिदमिसिटी ऑफ हार्ट की। अब हम कह रहे हैं कि मेमिलियन हार्ट जो है इसकी नेचर जो है वो मायोजेनिक होती है। यानी कि मायोजेनिक इन नेचर का क्या मतलब होता है कि डेवलप इट्स ओन रिदमिसिटी, यानी कि ये हार्ट जो है अपनी जो बीटिंग है ये खुद से प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, खुद जो है वो ब्लड जो है वो पंप कर रहा होता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो है ये कर रहा होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहा होता है। तो मायोजेनिक इन नेचर का मतलब क्या है कि ये डेवलप इट्स ओन रिदमिसिटी, डेवलप इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल, डेवलप इट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो इसको कहा जाता है मायोजेनिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं मैमल्स की बीटिंग की, तो मैमल का जो हार्ट है वो 70-75 इन पर मिनट जो है वो बीटिंग करता है, ठीक है, ह्यूमंस की अगर बात करें तो 72 पर मिनट कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमने कहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ इन नोडल फाइबर्स हैं बेसिकली, नोड्स फाइबर्स भी बोल सकते हैं, नोडल फाइबर्स भी बोल सकते हैं, इंटरकनेक्टेड फाइबर्स भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं नोडल फाइबर्स की, तो यहाँ पे नोडल फाइबर्स में जो है हमने बात की ऐसे नोड की भी बात की है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्शन पोटेंशियल की भी बात की है, सॉरी एक्शन पोटेंशियल एंड कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो है मैंने आपको बताया है, जो हमने अभी पहले मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ऐसे नोड क्या है, एवी नोड जो है ये क्या होता है, और पर्पकंजी फाइबर जो है ये क्या होते हैं, इनकी डिटेल से पहले मैं आपको एक दफ़ा जो है वो इंटरकलेटेड डिस्क का भी बता देती हूँ, और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकली कपल्ड सेल्स के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरकलेटेड डिस्क भी इसमें पाई जाती है। अब हम कहते हैं कि हार्ट में क्या होता है कि मसल्स हैं, ठीक है, अब हार्ट में जो मसल्स हैं उनमें इस तरह से हम कह रहे हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ये इस तरह से हैं। अब यहाँ पे एक होती है ब्लैक कलर की लाइन, ठीक है, यहाँ पे एक और सेपरेटली मैं थोड़ी सी सिंपल इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देती हूँ कि एक सिंपल लाइन होती है, एक डार्क एरिया होता है, ठीक है, हमारे जो हार्ट का मसल है उसमें एक डार्क एरिया होता है जो क्या कहलाता है, जो इंटरकलेटेड डिस्क कहलाती है। यानी कि ये वर्टिब्रेट हार्ट मसल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है, जो बेसिकली क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है, ये ह्यूमंस के अंदर और जितने भी मैमल्स हैं उसमें ये पाया जाता है, और इंटर सेलुलर कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, ये इसका हार्ट के अंदर इंटर सेलुलर कॉन्टैक्ट होता है, और ये एक डार्क एरिया होता है जो हार्ट के जो मसल्स हैं उसका जो डार्क एरिया है, जो डार्क रीजन है, वो इंटरकलेटेड डिस्क कहलाता है। और ये आगे इलेक्ट्रिकली कपल्ड, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो बीटिंग हो रही होती है, उसमें ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है यहाँ पर हम डीपोलराइजेशन का भी एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिकली कपल्ड सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एडजेसेंट सेल्स आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड ड्यू टू इंटरकलेटेड डिस्क। अब हम कहते हैं कि जो हमारे हार्ट में जो सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं, किसकी वजह से, वो इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डीपोलराइजेशन है एक सेल की, डीपोलराइजेशन ऑफ वन सेल इन द मायोकार्डियम डायरेक्टली एंड क्विकली काज डीपोलराइजेशन ऑफ नेबर सेल, यानी कि डीपोलराइजेशन एक सेल की मायोकार्डियम में डायरेक्टली जो है वो दूसरे सेल में भी डीपोलराइजेशन जो है वो काज कर देती है, फिर दूसरे से तीसरे में, इस तरह से जो है वो डीपोलराइज कर देती है तमाम सेल्स को, ठीक है, जिसकी वजह से अब हम कहते हैं कि ये डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है ये एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो बहुत जल्दी रैपिडली जो है वो पास ऑन होता रहता है।
और फिर एक मसल सेल से दूसरे मसल सेल में जो है ये पास आउट हो रहा होता है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये हम कहते हैं कि ये इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से मेंशन हो रहा है। तो ये मैंने आपको इस वैसे ही बताया है क्योंकि ये इसमें इंटरकलेटेड डिस्क का भी जिक्र आता है, ये इन स्लाइड्स में नहीं है। तो ये डीपोलराइजेशन बेसिकली होती क्या है? अब डीपोलराइजेशन में हम बात करते हैं कि इसमें जो हम कहते हैं कि अगर आपने मेम्ब्रेन जो है पढ़ा हो, सेल मेम्ब्रेन की अगर आपने डिस्कस किया हो सेल मेम्ब्रेन को, तो इसमें हम सोडियम चैनल्स की बात करते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि फास्ट सोडियम चैनल इसमें पाए जाते हैं हार्ट में। अब होता क्या है कि ये जो सोडियम है ये एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में कन्वर्ट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर तक जाते हैं। होता क्या है कि हम कहते हैं कि आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है, यानी कि जब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन में इस तरह से बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है ना ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और इसकी हम बात कर रहे हैं ये क्या है, ये इंट्रा सेलुलर है। अब होगा क्या कि ये जो आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज हैं ये ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कि ये जो आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज हैं डैट ड्रॉप इनसाइड, ठीक है, ये क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये ड्रॉप करेंगे, इनसाइड आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनसाइड जो अंदर की तरफ जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फिर क्या होगा कि जो इनसाइड होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर वाली जो साइड होती है वो हो जाएगी नेगेटिव। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इसे हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड है बाहर वाली, वो क्या करेंगे, वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनसाइड आ जाएंगे और इनसाइड पर जाके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, देन वो खुद जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और बाहर वाली साइड पे नेगेटिव जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, देन इस सिचुएशन को हम बेसिकली डीपोलराइजेशन कहते हैं जी। तो हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे एस ए नोट को, ये चीज़ें जो थी वो मैंने आपको पहले इसलिए बता दी कि अगर आप बुक से पढ़ें तो आप जो है वो कन्फ्यूज ना हो जाएं। तो अब हम दोबारा से ऑटोरिदमिसिटी को डिस्कस करते हैं। ऑटोरिदमिसिटी में जो है हम एस ए नोड की बात करते हैं। तो अब एस ए नोड क्या है, ये हम कह रहे हैं ये साइनोएट्रियल नोड है। ये क्या काम करती है, ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्शन पोटेंशियल को जो है वो जनरेट करती है, यानी कि हार्ट में मेजर जो काम हो रहा होता है ये ऐसे नोड कर रही होती है। हार्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो भी एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है ये कौन कर रहा है, ये साइनोएट्रियल नोड कर रही होती है, जिस वजह से इसको हम कहते हैं हार्ट इन हार्ट, या फिर जो है इसे कहा जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि ये जो पेस है उसको भी जनरेट करती है। तो अब ये हमारे पास जो है वो एक हार्ट की डायग्राम है, इसमें हम चार चैम्बर्स की बात करते हैं। ये जो है ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें कि राइट एट्रियम में जो है वो साइनोएट्रियल नोड, यहाँ पे साइनोएट्रियल नोड मौजूद होती है। और ये कहाँ पर राइट एट्रियम में मौजूद है, सुपीरियर वेना कैवा के जस्ट बिलो। अब ये जो आपको इस तरह से लाइन नज़र आ रही है इसके, यहाँ पे आप देखें जस्ट इसके बिल्कुल नीचे, यानी कि ये हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा है, सुपीरियर वेना कैवा के जस्ट यहाँ पे जो है वो ऐसे नोड मौजूद है, ठीक है। राइट एट्रियम इज जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना कैवा जो है साइनोएट्रियल नोड जो है वो मौजूद होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एवी नोड की। सेकंड नंबर पे हमने बात करनी है एवी नोड की। अब एवी नोड जो है ये क्या है, जो भी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जिसे हम एवी नोड बोलते हैं, ये एक और स्पेशलाइज्ड ग्रुप है कार्डियक मसल फाइबर का। ये कहाँ पर मौजूद होता है, इट इज़ प्रेजेंट नियर राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बेसिकली क्या होता है कि ये मौजूद होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, एक जंक्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये क्या है एक एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये हमारे पास जो है ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट जो है ये वेंट्रिकल है। इसके दरमियान में ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, इस लाइन के अंदर जो है मौजूद होते हैं एवी नोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर जो है हम कहते हैं ये एवी नोड्स हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो लाइन है ये बेसिकली इनके दरमियान में एक जंक्शन होता है और उस जंक्शन में जो है वो एवी नोड्स पाए जाते हैं। और ये जो लाइन है इसे कहा जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम, और इस इंटर एट्रियल सेप्टम में जो है एवी नोड पाए जाएंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये इंटर एट्रियल सेप्टम क्या है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक लाइनिंग है जिसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, और उसमें जो है ये पाए जाएंगे एवी नोड्स। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे हमारे पास राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम इसके दरमियान में ये लाइन है जो क्या कहला रही है, इंटर एट्रियल सेप्टम कहला रही है। इस इंटर एट्रियल सेप्टम के दरमियान में कौन से नोड्स पाए जाएंगे, एवी नोड्स पाए जाएंगे। अब ये जो एवी नोड है ये क्या काम करेंगे, एवी नोड बेसिकली
जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, बिलो द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। अब आपने ये भी याद रखना है कि जिस तरह हमने साइनोएट्रियल की बात की थी, ये कहाँ पर पाए गए थे, बिलो द सुपीरियर वेना कैवा, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बिलो द कोरोनरी साइनस, ठीक है, कोरोनरी साइनस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवी नोड जो है कहाँ पर पाया गया है, हमने बात की यहाँ पर जो है वो एवी नोड पाया जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीन जो है इसमें हम बात करते हैं, सुपीरियर वेना कैवा की, इन्फीरियर वेना कैवा की और कोरोनरी साइनस की हम बात करते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि ये ब्लड को टिश्यूज से जो है वो हार्ट तक लेके जाती है, देन आगे सो ऑन उसका काम होता है, ठीक है, जो भी सारा ब्लड होता है टिश्यू से उसको हार्ट तक पहुंचा रही होती हैं। और ये उसमें से जो कोरोनरी साइनस है उसके बिलो इसकी ओपनिंग होती है, जिसे हम एवी नोड बोलते हैं। अब ये जो एवी नोड होती है ये कनेक्ट होती है विद द एसए नोड बाय थ्री इंटर नोडल फाइबर्स। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो एवी नोड है ये कनेक्ट होती है एसए नोड के साथ बाय थ्री इंटरनोडल फाइबर्स। अब तीन इंटरनोडल फाइबर्स के ज़रिए जो है ये एवी नोड जो है कनेक्ट होती है एस ए नोड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जो एवी नोड है ये क्या काज करती है, ये डिले कर देती है, यानी कि ये डिले करने का काम करती है। एवी नोड काज एवी डिले ऑफ 0.1 सेकंड, फर्स्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है कि ये डिले करती है, जैसे अगर हमारे पास ऐसे नोड कोई भी काम जो है वो कर रही है 0.5 सेकंड में, ठीक है, यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ऐसे नोड है ये जो है एक्शन पोटेंशियल को लेके आ रही है, और ये कितने सेकंड में लेके आई है, ये फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं 0.5 सेकंड में लेके आ रही है। अब क्या है कि इस ये जो एवी नोड है ये क्या कर देगी, थोड़ा सा इसको डिले कर देगी एक्शन पोटेंशियल को लाने में। अब ये डिले कर देगी तो वो 0.5 में कर रही है तो ये 0.1 में करेगी, तो क्या होता है कि ये जो एवी नोड है ये डिले कर देगी एक्शन पोटेंशियल को आगे लाने में, जिसकी वजह से क्या होगा कि पहले जो है वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर हम कहते हैं कि फर्स्ट जो है वो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर जो है वो देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये जो एवी नोड है इसे हम कहते हैं कि ये पेस सेटर ऑफ हार्ट भी कहलाता है, इसे हमने कहा था पेस मेकर ऑफ हार्ट, इसको हम कह रहे हैं पेस सेटर। तो क्या है कि ऐसे नोड ने क्या किया था कि पेस को जनरेट किया था, आगे जो एवी नोड है ये इसको सेट करती है और आगे जो भी फंक्शंस हार्ट ने परफॉर्म करने होते हैं उसमें हेल्प करती है। अभी हमारे पास क्या है, ये राइट एंड लेफ्ट बंडल्स जो हमने बात की थी हिस परकंजी सिस्टम की, अब हम इसको ओवरऑल उसमें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हिस परकंजी सिस्टम में। तो अब हमारे पास राइट और लेफ्ट बंडल्स की हमने बात करनी है, आपने राइट और लेफ्ट बंडल से कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको एवी बंडल के नाम से भी याद रख सकते हैं। ये क्या है, ये एवी बंडल्स हैं, ठीक है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, ये एट्रिया को वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अब हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये आपको जो है ये एवी बंडल नज़र आ रहे हैं। अब ये क्या है कि इस एट्रिया और इस वेंट्रिकल के दरमियान में इस तरह से कुछ जो है वो बंडल्स पाए जाएंगे, और वो बंडल्स कौन से हैं, वो एवी बंडल्स कहला रहे हैं। तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो है वो कुछ बंडल्स पाए जाते हैं, और वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो कहाँ पर पाए जाएंगे, वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में पाए जाते हैं, और इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स भी बोलते हैं, और उसे हम कह रहे हैं एवी बंडल्स भी बोला जाता है। अब ये जो एवी बंडल्स हैं ये आगे जो है दो और बंडल्स में डिवाइड होंगे, जिसको हम राइट बंडल बोलते हैं और इसको हम लेफ़्ट बंडल बोलते हैं। तो ये एवी बंडल क्या करते हैं, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाते हैं, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाके राइट बंडल और लेफ़्ट बंडल में डिवाइड हो जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से ये इन्होंने क्या कि इन बंडल्स ने जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो है ये चले गए, राइट वाला बंडल जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला गया है, लेफ़्ट वाला बंडल जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला गया है। अब क्या हो गया कि जब ये बंडल जो है एवी बंडल यहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में चले गए हैं, इन्होंने क्या किया, ये जो है अब हमारे पास ये वाला ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये वेंट्रिकल के दरमियान में ये जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है क्या है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। अब यहाँ पे दो ये जो हमारे पास बंडल्स थे ये यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से इधर आ गए हैं। अब जैसे यहाँ पे आए हैं तो राइट बंडल जो है वो राइट वाले वेंट्रिकल में और लेफ्ट वाला लेफ्ट में चला गया है, और अब दो बंडल्स हमारे पास और आ गए हैं जिसको हम राइट और लेफ्ट बंडल कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं पुरकंजी फाइबर्स। अब पुरकंजी फाइबर्स क्या होता है कि जो हमारे पास राइट और लेफ्ट बंडल्स आते हैं वो पुरकंजी फाइबर्स बनाते हैं। जो मैंने आपको एक वो शाखीनुमा स्ट्रक्चर दिखाया था उसे हम क्या बोलते हैं, उसे पुरकंजी फाइबर्स। अब यहाँ से क्या होता है कि जो राइट बंडल है और ये लेफ्ट बंडल है ये आगे इस तरह से बना रहा है कुछ फाइबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम पुरकंजी फाइबर्स बोलते हैं।
ये जो प्रकंजी फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो वेंट्रिकल में मसल्स होते हैं उसमें बहुत डीपली पेनिट्रेट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास राइट और लेफ्ट बंडल्स हैं, इन्होंने क्या कि इन्होंने प्रकंजी फाइबर्स को बनाया और ये प्रकंजी फाइबर जो मसल है वेंट्रिकल का उसमें बहुत डीपली पेनिट्रेट होते हैं और उस डीपली पेनिट्रेशन की वजह से ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहे होते हैं। अब आगे बताया हुआ है कि जो प्रकंजी फाइबर्स हैं अलॉन्ग विद एवी बंडल्स टुगेदर कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। अब हम इसको ओवरऑल बंडल ऑफ हिस यानी कि हिस सिस्टम जो हमने पढ़ा था हिस प्रकंजी सिस्टम भी बोलते हैं, कि ये जो प्रकंजी फाइबर्स हैं अलॉन्ग विद एवी बंडल्स टुगेदर कॉल्ड बंडल ऑफ हिस, तो इसको प्रकंजी फाइबर्स को अलॉन्ग विद एवी बंडल्स इस राइट और लेफ्ट बंडल के साथ हम जो है इसको टुगेदर एक लफ्स इस्तेमाल करते हैं, एक टर्म दे देते हैं जिसका नाम है बंडल ऑफ हिस या फिर हिस प्रकंजी सिस्टम, जिसको डिस्कवर किया था विलहेल्म हिस ने और इसके नाम पे ही इसको बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स और हैं जो हम डेफिशिएंसी के नाम से याद रख सकते हैं, कि समटाइम क्या होता है कि जो ऐसे नोड है ना वो इनएफिशिएंट हो जाता है, वो सही तरह से काम नहीं करता। तो समटाइम क्या है कि ऐसे नोड में जब इनएफिशिएंसी आ जाती है तो उस एक सिंड्रोम काज होता है जिसका नाम है सिक साइनस सिंड्रोम, ठीक है। इसी तरह जो है एवी नोड की वजह से भी जो है एवी नोड भी सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, इनएफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी एक सिंड्रोम होता है जिसे एडम्स स्ट्रोक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसे नोड की इनएफिशिएंसी की वजह से सिक साइनस सिंड्रोम और एवी नोड की इनएफिशिएंसी की वजह से जो है वो एडम स्ट्रोक सिंड्रोम काज हो जाता है। तो क्या होता है कि हार्ट जो है वो सही तरह से नहीं पंप कर रहा होता, तो उसको फिर एक आर्टिफिशियल जो है वो पेस मेकर दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड ब्लड फ्लो, तो हमारा मेन जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो हमने डिस्कस कर लिया है, और जो उसमें कंपोनेंट्स आते हैं कंडक्टिंग सिस्टम में या कंडक्शन सिस्टम में, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल्स, प्रकंजी फाइबर, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस कर ली हैं। और ये जो प्रकंजी फाइबर्स हैं ना इसमें इंटरकलेटेड डिस्क बहुत वेल डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। ये जो प्रकंजी फाइबर्स है इसमें इंटरकलेटेड डिस्क बहुत वेल डेवलप्ड होती हैं और इसका डायमीटर भी जो है कार्डिक मसल फाइबर्स की अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा होता है। और इसमें मायोफिब्रिल्स की बात करें तो फ्यू मायोफिब्रिल्स होते हैं और कार्डिक मसल सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्रकंजी फाइबर्स में, और ये फोर्सफुली इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया जा सकता। अब हम बात करें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ब्लड फ्लो की, तो इसमें ये सारा ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया है, एक दफ़ा दोबारा हम इसको देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ब्लड फ्लो जो है ये रिदमिसिटी में ही आगे हम इसको लिख सकते हैं, कि जिस तरह से हमारा हार्ट जो है वो बीटिंग कर रहा है या रिदम, ठीक है, तो ये इसी में आता है रिदमिसिटी में। तो अब हम देखते हैं कि जो ऐसे नोड नॉर्मली जो है वो 6200 इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर मिनट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये क्या कहलाती है, हार्ट रेट कहलाती है। हार्ट रेट जो है हम हार्ट बीट या हार्ट रेट हम किस में डिस्कस करते हैं, रिदमिसिटी में डिस्कस करते हैं, या फिर इसको पल्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल काज योर हार्ट चैम्बर्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब क्या होता है कि ये जो मोमेंट है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, ये जो हमने कहा कि ऐसे नोड्स एवी नोड और फिर आगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो है ये इम्पल्सेस पास आउट हो रही होती हैं, तो ये जो मोमेंट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, इसकी वजह से हमारा जो हार्ट का चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं और रिलैक्स भी हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं नॉर्मली और जो हमारा हेल्दी हार्ट होता है, द चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ कोऑर्डिनेटेड वे और इन अ रिदम। एक नॉर्मल जो हार्ट होता है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा होता है, रिलैक्स भी हो रहा होता है, यानी कि एक टाइम पे अगर वो रिलैक्स हो रहा है दूसरे टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो है उसके अंदर हम इन रिदम को देखते हैं, हार्ट बीट को देखते हैं। अब व्हेन योर हार्ट बीट्स इन रिदम एट अ नॉर्मल रेट इट इज़ कॉल्ड साइनस रिदम। तो जब हमारी हार्ट बीट एक नॉर्मल रेट पर होती है तब हम उसे कहते हैं कि वो साइनस रिदम भी कहलाती है, यानी कि नॉर्मल रेट पर अगर हमारा हार्ट बीट कर रहा है, कोई फास्ट नहीं है, कोई स्लो नहीं है, नॉर्मल हमारे हार्ट की बीटिंग हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, वो साइनस रिदम कहलाती है। ये फोर स्टेप्स ऑफ कार्डियक कंडक्शन ये जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, पेस मेकर, इम्पल्स जनरेशन, ये मैंने आपको साथ साथ जो है वो बता दिया है। पेस मेकर इम्पल्स जनरेशन किसने जनरेट की थी, एस ए नोड ने जो है इसको जनरेट किया था,
और ये कब जनरेट होती है, जब हम कहते हैं कि दोनों जो एट्रिया हैं, यानी कि जो हमने एट्रिया की बात की थी, दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस टाइम जो है ये जनरेट होती है। उसके अलावा एवी नोड इम्पल्स कंडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, एवी नोड लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द पार्टीशन दैट डिवाइड्स द एट्रिया नियर द बॉटम ऑफ द राइट एट्रिया, यानी कि हमने कहा कि दो एट्रिया के दरमियान में एक लाइनिंग होती है, जिसे हमने कहा था कि यहाँ पे एवी नोड है, या फिर हमने कहा था एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में एक सेप्टम है जहाँ पर जो है एवी नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दे डिले अलाउज एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्टी देयर कॉन्टेंट फर्स्ट। बेसिकली क्या होता है कि ये डिले का काम करते हैं, जिसमें मैंने आपको वो सेकंड्स की बात बताई है कि पहले ये जैसे अगर ऐसे नोड थोड़ा सा 0.5 सेकंड में आ रहा था, फास्टली लेके आ रहा था कोई भी इम्पल्स, तो ये उसको थोड़ा सा डिले करेगा कि पहले ये कहेगा कि एट्रिया जो है ये दिस डिले अलाउज द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहले ये एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होने देगा एंड एम्प्टी देयर कॉन्टेंट फर्स्ट, पहले उसके कॉन्टेंट को एम्प्टी होने देगा, यानी कि पहले उस एट्रिया को देखेगा कि उसमें कोई इशू तो नहीं है, पहले जब वो खाली हो जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो जाएगी, देन उसके बाद अपना काम जो है वो थोड़ा स्लो कर देगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिले करता है। एवी बंडल इम्पल्स कंडक्शन जो है ये भी मैंने आपको बता दिया है, बंडल जो है ये आगे राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, देन उसके बाद जो लेफ्ट और राइट बंडल्स हैं ये क्या करते हैं, ये फाइबर्स बनाते हैं जो क्या कहलाते हैं, परकंजी फाइबर्स कहलाते हैं। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे परकंजी फाइबर्स में जब व्हेन द इम्पल्स रीच दीज फाइबर्स दे ट्रिगर द मसल फाइबर्स इन द वेंट्रिकल टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है कि जैसे ही जब ये परकंजी फाइबर्स बनते हैं तो इसमें इम्पल्सिस जो हैं वो इन फाइबर्स के ज़रिए इसमें वेंट्रिकल में आ जाती हैं, और फिर जब वेंट्रिकल में ये इम्पल्सिस आ जाती हैं देन वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही परकंजी फाइबर्स बनते हैं तो इम्पल्स आ जाती है उनके मसल सेल्स में, और उनकी वजह से उसके जो वेंट्रिकल हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये ग्रीन से जो है वो ऐसे नोड रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एवी नोड है और ये वाले हैं जो लाइंस हैं ये एट्रियल ट्रैक कहलाते हैं, और यहाँ पे आप देखें ये बंडल ऑफ हिस कहला रहे हैं, ये जो है ये लेफ्ट बंडल है और ये वाला जो है ये राइट बंडल है, और ये जो आपको लास्ट पे ये ब्रांचेस नज़र आ रही हैं ये परकंजी फाइबर्स हैं। ये भी जो है हार्ट ये हमने डिस्कस कर लिया है। आगे है स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन थ्रू द हार्ट मसल। अब हमने कहा है कि जो हार्ट मसल है इसमें जो एक्साइटेशन या हम हार्ट बीट की बात कर रहे होते हैं तो ये वेव्स की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। द वेव ऑफ एक्साइटेशन स्टार्ट एट द एसए नोड एंड देन स्प्रेड आउटवर्ड थ्रू द एट्री। अब क्या होता है कि जो वेव ऑफ एक्साइटेशन है या कॉन्ट्रैक्शन है ये कहाँ पर स्टार्ट होती है, ये एसए नोड से स्टार्ट होती है और फिर आगे जो है वो पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो जाती है, और उसके बाद आगे जो है ये एक्साइटेशन जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर से बाय द वे ऑफ एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर से एवी नोड के ज़रिए जो है वो कहाँ पर जाती है, आगे पूरे हार्ट तक जो है उसको उसकी जो इम्पल्स है उसको जो है वो फैला देता है, उसके इम्पल्स को पहुँचा देता है, जिसके ज़रिए हम कहते हैं कि पूरा जो हार्ट है वो एक्साइटमेंट शो करता है और जो है वो बीटिंग करता है। अगर हम इसके डिले की बात करें तो जब अगर डिले हो जाए दिस डिले इज़ असेंशियल फॉर एफिशिएंट कार्डियो फंक्शन, तो जो डिले की हमने बात की थी एवी नोड में ये एफिशिएंट भी ये एफिशिएंट होता है कार्डियो फंक्शन के लिए, ये पहले क्या करता है कि इट अलाउज द वेज ऑफ एक्साइटेशन टू स्प्रेड कम्प्लीटली थ्रू द एट्रिया बिफोर इट रीचेज द वेंट्रिकल, यानी कि पहले ये क्या करता है कि इट अलाउज द वेव ऑफ एक्साइटेशन टू स्प्रेड कम्प्लीटली थ्रू द एट्रिया, यानी कि पहले वो ये सारी जो इम्पल्सेज हैं उसको एट्रिया तक स्प्रेड करता है देन उसके बाद जो है वो वेंट्रिकल में भेजता है। तो ये एक डिले जो है हमने कहा कि एफिशिएंट होता है कार्डियो फंक्शन के लिए कि पहले वो एट्रिया में सारी जो है वो इम्पल्सिस चली जाएँ देन उसके बाद जो है वो वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल में भी बहुत ज़्यादा जो फंक्शंस है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह या जो भी पंपिंग एक्शन करना होता है वो भी आगे वो करता है। सो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड एग्जिट द वेंट्रिकल फ्रॉम द टॉप एंड इन दिस सेंस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज रिमिनिसेंट ऑफ हाउ वन शुड स्क्वीज अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट फ्रॉम द बॉटम अप। अच्छा, आप इसको जस्ट इतना ही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है पहले आप उसी को ही जो है वो डिटेल में कर लीजिएगा।
ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि द वेव ऑफ एक्साइटेशन फैंस आउट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मसल, दिस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस एट द एपेक्स एंड स्प्रेड अपवर्ड। आप इसको जस्ट इतना उस शॉर्ट फॉर्म में लिख लें कि क्या हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी फाइबर्स बनते हैं देन उसके बाद क्या होता है कि वेंट्रिकुलर जो है उसमें जो है वो इम्पल्सिस जनरेट हो जाती हैं और उन इम्पल्सिस जनरेट होने की वजह से जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये ओवरऑल सारा इन्होंने जो है वो दिखाया हुआ है कि एरेक्शन पोटेंशियल इनिशिएट इन एस ए नोड, के एक्शन पोटेंशियल एस ए नोड में इनिशिएट हो रहा है, देन उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जो है वो एट्रियल मसल्स तक जो है वो जाता है, पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो जाता है, फिर उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल है स्प्रेड थ्रू दी एट्रिया टू दी ए वी नोड, यानी कि जो एट्रिया है उससे ए वी नोड तक जाता है और ए वी नोड से आगे जो है वो पास ऑन होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रैवल करेगा थ्रू द कंडक्शन सिस्टम टू द एपिक्स ऑफ द हार्ट। अब एक्शन पोटेंशियल आगे जो है वो पास आउट करेगा, ये आपको जहाँ से ये एरो नज़र आ रहे हैं पहले वो यहाँ तक गया, देन उसके बाद जो है वो यहाँ तक आ गया है। तो एक्शन पोटेंशियल पहले एवी नोड तक आया, एस ए नोड से एवी नोड और एवी नोड से पूरे एट्रिया तक गया, देन उसने आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब उसके बाद एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड अपवर्ड थ्रू दी वेंट्रिकुलर मसल। अब जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे सारे वेंट्रिकल में आ गया है देन उसके बाद ये अपवर्ड दोबारा से जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। इवेंचुअली फिर क्या होगा कि ये जो लास्ट पे है इवेंचुअली द इंटायर हार्ट रिटर्न्स टू द रेस्टिंग स्टेट मेंटेनिंग देयर अंटिल अनदर एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। क्या होगा कि फिर हमारा जो इंटायर हार्ट है ये जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो रेस्टिंग की हालत में चला जाएगा और फिर अगली एक्शन पोटेंशियल का इंतजार करेगा, जब दोबारा से ऐसे नोड जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, दोबारा से यही सारा प्रोसीजर होगा, जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा देन यहाँ पे ये रेस्ट करता है और फिर दोबारा से ये सारा सिस्टम होता है। अच्छा, ये रिदमिसिटी की डेफिनेशंस और ये थोड़ा सा दोबारा से इसको देख लेते हैं। रिदमिसिटी हम कहते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू बीट रेगुलरली, यानी कि ये क्या है कि एबिलिटी ऑफ हार्ट टू बीट रेगुलरली, जो हम रेगुलरली हमारे जो दिल की धड़कन है वो क्या कहलाती है, वो रिदमिसिटी कहलाती है। और ऑटोमिसिटी हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ हार्ट टू जनरेट इम्पल्स विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब हमारे हार्ट को किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होती, हमारा हार्ट खुद ही जो है वो इम्पल्सिस को जनरेट करता है, तो डैट्स वाई हम इसको ऑटोमेटिसिटी बोलते हैं। और ऑटोरिदमिसिटी हम किसको कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ कार्डिक मसल्स टू जनरेट इम्पल्स विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई रेगुलरेट। हमारा जो कार्डिक मसल्स है वो इम्पल्सिस को जनरेट करते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बगैर और रेगुलर रेट पे करते हैं। अब ये जो रिदमिसिटी का ओरिजन है ये हम देखते हैं कि मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि इसका जो ओरिजन है वो मसल सेल्स है, ठीक है। और नर्व कंट्रोल द रेट बट डू नॉट इनिशिएट द बीट, यानी कि नर्व जो है इसके रेट को, इसके हार्ट बीट को जो है इनिशिएट नहीं करती लेकिन हार्ट बीट को कंट्रोल करती, यानी कि नर्व्स जो हैं वो क्या करती हैं, इसके रेट को तो कंट्रोल करती हैं लेकिन उसको जनरेट नहीं करती, उसको स्टार्ट नहीं करती। अब यहाँ पे जैसे कुछ एविडेंसेस इन्होंने बताए हुए हैं कि कोई भी हम लोकल एनेस्थेटिक्स की बात करते हैं कि जैसे कोकेन है वो हमारे जो नर्व है उसको तो ब्लॉक करती है लेकिन हमारे हार्ट को ब्लॉक नहीं करती, यानी कि जो अल्कोहल वगैरह पीते हैं उनके जो ब्रेन है उसको तो इफेक्ट होता है लेकिन जो उनका हार्ट है ऐसा नहीं होता है कि उनका जो अगर नर्व जो है वो स्टॉप हो गया है तो उनका जो दिल की धड़कन है वो भी स्टॉप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। उसके अलावा अगर ट्रांसप्लांटेड हार्ट की बात करते हैं तो उसमें भी कोई भी नर्व सप्लाई नहीं होती और जो है किसी भी नर्व सप्लाई के बगैर जो हार्ट है वो बीट करता रहता है। हार्ट ऑफ ह्यूमन फीटस स्टार्ट टू बीट बिफोर डेवलपमेंट ऑफ नर्व्स, यानी कि इसमें क्या होता है किसी भी हम फीटस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है नर्व से पहले जो है वो हार्ट की डेवलपमेंट हो जाती है और वो जो है हार्ट वो बीटिंग करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे इसके नेचर की बात करें रिदमिसिटी की तो मोस्टली हम देखते हैं कि जो कार्डियक फाइबर्स हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन स्पेशली नोडल एंड कंडक्टिंग फाइबर्स। अब ये जो हम कार्डियक फाइबर्स की बात करते हैं तो ये सेल्फ इनमें एबिलिटी होती है कि ये सेल्फ एक्साइटेशन कर सकें, नोडल और कंडक्टिव फाइबर्स जो हैं इनमें एबिलिटी है कि ये सेल्फ एक्साइटेशन करते हैं। ये सारा जो भी थ्रू आउट प्रोसीजर हमने पढ़ा है ये सेल्फ एक्साइटेशन ही था, ये खुद को एक्साइटेड करते हैं, इसमें कोई भी बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई किडनी कोई लंग्स उनको आके जो है वो नहीं दे रहे, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं दे रहे कि आगे जो है वो हार्ट पंप करे, उसने सब कुछ जो है वो खुद किया है, तो हम इसे कहते हैं कि ये सेल्फ एक्साइटेशन कहलाती है। सो हम देखते हैं कि SAN जो है हैज़ द ग्रेटेस्ट रिदम, यानी कि हमने कहा कि सारे एट्रियल नोड हैज़ द ग्रेटेस्ट रिदम सो इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो जो SAN है जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं या सारे एट्रियल नोड कहते हैं या इसको पेस मेकर भी कहते हैं, तो ये हमने कहा कि जनरेट करता है पेस मेकर को, तो इसलिए इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। तो अब हमारा जो है ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, और ऑटोमेटिसिटी को भी हमने डिस्कस कर लिया है, ऑटोरिदमिसिटी को भी डिस्कस कर लिया है, और रिदमिसिटी को भी हमने डिस्कस कर लिया है।